प्रणाली राठौर और हर्ष चोपड़ा स्टारर टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब सारे ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। सीरियल में कुछ दिनों पहले अभिमन्यु और आरोही की शादी की बात शुरू हुई थी, जिससे अक्षरा को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सीरियल में अभिमन्यु को एहसास हो गया कि वो अक्षरा के बिना नहीं रह सकती, इसी वजह से वो उससे मिलने को इनका हाउस पहुँच गया था, लेकिन घर के बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो गया। वहीं अब कहानी में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जिसमें अक्षरा के सामने अभिमन्यु आकर खड़ा हो जाएगा। इसके बाद कहानी में देखने को मिलेगा कि अभिनव के साथ कसौली लौटने की बात करती है और फिर अक्षरा अपने पूरे परिवार से आखिरी बार मिलती है। अभीर भी सबको उदास चेहरे के साथ बाय कहता है। इसके बाद तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अक्षरा रास्ते में एक मंदिर में दर्शन करने रुकती है और अंदर अकेली जाती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आगे देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु अपने घर पर आराम कर रहा होता है और तभी उसे अक्षरा का सपना आता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। इसके बाद वो अक्षरा को रोकने के लिए सीधा एयरपोर्ट निकल जाता है, लेकिन कमरे से निकलते हुए उसे शेफाली देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो अभी को बताती है कि अक्षरा इस वक्त मंदिर में है और अभिमन्यु सीधा मंदिर पहुँच जाता है, जहाँ पर ड्रामा भी होगा।